जिहड़ी उम्र दे विच तुसीं हैगे हो जिंदगी दे विच इंसान इस उम्र च आ के खुद नूं संभाल ले उही बहुत हुंदा है, पर तुसीं खुद नूं भी संभाल रहे हो नाल नाल इकल्ले ही इत्थे इन्ने कुत्तियां नूं किवें इन्हां दी देखभाल इन्हां दी सेवा करो। मालिक करा रहे हैं, मैं तो सेवा कर है ना, जिस हिसाब से वो करांदा है मैं कर रहा हूं। कितने के कुत्ते तुसीं इन्हां दी देखभाल कर रहे हो? 55 60 के बीच में है बेटे। बाबा जी दे बारे एक और भी दसदा, क्योंकि जो मैं इत्थे पहुंचिया कुछ लोग सी उन्होंने भी मैनू दस्या बाबा जी दे जीवन दे बारे गल्लां। ग्रेजुएट ने ते जॉब करते सी बैंक दे विच, कैशियर दे वजो जॉब करते सी, सूट बूट टाई ला के जांदे हुंदे सी, पर जॉब छड़ती कहिंदे इन्हां दी देखभाल करनी है। रोटी बाबा जी नूं मिलदी हुंदी सी घर दे विच तां लुको लैंदे सी, अते जदों घर दे दूर चले जांदे सी नज़रां तों तां फिर उही रोटी जिहड़ी कुत्तियां नूं पा दिंदे सी। ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਦ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਤਾ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਨਕਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਇਨਕੋ ਚਾਹੀਏ ਚਾਹੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਇਨਕਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਇਹ ਜੈਸੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਨਕਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, अभी रात को जो है इनका खाना पेट भर के भोजन जिसको डिनर बोलते हैं ना, देना पड़ता है। तो समा भी बड़ा लगता होना जो तुम बनाते होवोगे, समा सवेर का खाना, दोपहर का चाह या फिर खाना रोटी कह लो, कुछ दलिया कह लो, रोटी दो घंटे ढाई घंटे तो लग जाते हैं बेटे इनको एक टाइम का भोजन बनाने के लिए, है ना, किलो रोटी बनानी है ना, 10 किलो रोटी बनानी पकानी है। ये जिहड़े कुत्ते ने तुसीं खुद आ जांदे ने इत्थे जां लोक छड के जांदे ने? क्योंकि कई बार मैं देखिया कि लोक जख्मी होंदे ने उन्हां नूं भी इदां ही छड्डे जांदे। हाँ नहीं बेटे, जैसे मेरे को कोई अभी लोग ना क्या क्या कि बीच में अभी बच्चे छोड़ देते हैं, आँखें बंद होती हैं बच्चों की, सर्दी का मौसम होता है, बरसात होती है, मैं यहाँ सैर करता हूँ तो देखता हूँ कि बच्चे ऐसे ही पड़े हैं आँखें बंद हैं, मेरे से देखा नहीं जाता, मैं उनको चक के ले आता हूँ। अच्छा, आप ही ले आने? आप ही ले आता हूँ, है ना, चक के ले आता हूँ। इन्हां भी बड़ा बीमारियां लगदियां ने, कदे कुछ कदे कुछ, इन्हां दी भी सेहत बड़ी जरूरी होंदी है, डॉक्टरी इलाज बड़ा जरूरी होंदा। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਆਟੋ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਨਕੋ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਮਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮਿਸਟਰ ਕੋਚਰ ਹੈ। अच्छा, थोड़े को इत्थे लोक नहीं आउंदे जिन्हां नूं पता कि बाबा जी इत्थे रह रहे ने, कुत्तियां दी देखभाल कर रहे ने, कोई मदद दे लई नहीं आउंदा? नहीं, पिंड ते लोक तो खैर कोई हेल्प नहीं करते, कोई डॉगियों की मतलब उन्हां नूं पता तां होना ही है पर फिर भी नहीं करते। हां, फिर भी नहीं करते, पर खैर इनकी किस्मत जहां से है वहां से तो आ ही जाती है। खुश हो तुसीं अपनी जिंदगी तो? खुश हां, बिल्कुल खुश हैं सर, है ना, और क्या चाहिए, इन्हां दा प्रेम मिल रहे हैं, इन्हें नाल प्रेम है। न्यूज ओनली तुसी देख रहे हो ते मैं थोड़े नाल जगविंदर सिंह। कहिंदे ने कि जे एक कुत्ता इंसान नूं कटदा है तां फिर इंसान 100 कुत्तियां नूं पत्थर मारदा है, पर जे उन्हां 100 दे विचों ही 99 दे विचों जेकर इंसान पत्थर मारदे ने पर सिर्फ एक इंसान 100 दे विचों दोबारा उस कुत्ते नूं रोटी पा देवे तां फिर कुत्ता फिर तो 100 इंसानां ते भरोसा करन लग जांदा है। यही कुदरत दा सच है। अते पर सवाल इत्थे इह उठदा कि उन्हां 100 इंसानां दे विचों एक इंसान किहड़ा होवेगा जिहड़ा दोबारा तो रोटी पावेगा कुत्ते नूं? अजकल कुत्तियां नूं देख के पत्थर मारे जांदे ने, बहुत सारियां तस्वीरां भी आउंदियां ने, पर अज थोनों एक ऐसे इंसान के नाल मैं रूबरू करवावांगा जिसकी उम्र 70 तो ज़्यादा हो चुकी है, वो उम्र के विच ने जिथे इंसान खुद को संभाल ले जिंदगी दे विच उही काफ़ी हुंदा, उही बहुत हुंदा है, पर वो इंसान खुद को तो संभाल रहा है पर नाल कई कुत्तियां दी भी उस इंसान के वलों सेवा की जा रही है। अंग्रेजी दे विच कहां तां डॉग शैल्टर उस इंसान के वलों बनाया गया, वो बाबा जी मेरे नाल ने जिहड़ी जगह ते मैं इत्थे बैठा हूँ, जगह भी मैं दस्सांगा पर बाबा जी नाल ने गलबात करांगे कि किवें इन्ने कुत्तियां दा पालन पोषण इत्थे इकल्ले रह के इकल्ले ही कर रहे ने। बाबा जी स्वागत है, सब तो पहले तो अपना नाम दस दो, कि नाम की है तुहाडा? शांतानंद।
तो जिहड़ी उम्र दे विच तुसी हैगे हो जिंदगी दे विच इंसान इस उम्र च आके खुद नूं संभाल ले उही बहुत हुंदा है, पर तुसी खुद नूं भी संभाल रहे हो नाल नाल इकल्ले ही इत्थे इन्ने कुत्तियां नूं किवें इन्हां दी देखभाल इन्हां दी सेवा कर रहे हो? मालिक करा रहे हैं, मैं तो सेवा का है ना, जिस हिसाब से करांदा है मैं कर रहा हूँ, और तो मैं मेरे को कुछ है नहीं है ना, बस जो इन्हां दी किस्मत है इत्थे आ जांदा है ना, और मेरा तो इन्हां नाल प्रेम है, दिलों प्रेम है ना। कितने टाइम तो बाबा जी इत्थे रह रहे हो इस जगह ते कितने टाइम इत्थे? तो बेटा 12 साल हो गए इत्थे, 12 साल, लेकिन इन्हां दा प्रेम तो बचपन ते है, इन्हां बचपन तो प्रेम है, हां इन्हां दे नाल है ना, बाकी चल रहा है। इत्थे बाबा जी मैं देखे बड़े सी जदों असीं भी आए, बड़े कुत्ते साडे वल नूं भज के आए, जो कहिंदे ने कि कुत्ते पर तुसीं प्यार करदे हो, ते किन्ने क कुत्ते ने जिहड़े इत्थे जिस जगह ते तुसीं रह रहे हो किन्ने क कुत्ते तुसीं इन्हां दी देखभाल कर रहे हो? 55-60 के बीच में है बेटे, 50 तो ज्यादा ही ने, 50 ते ऊपर ही है, ते बस लगे आपां इन्हां दी सेवा च, होर क्या, होर क्या। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ, ਕੋਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਲਗਾਓ ਹੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਨਕੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਇਜਲੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਜਬ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਤਾ ਹੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਇਨਕਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ, 3 ਟਾਈਮ ਇਨਕੋ ਚਾਹੀਏ ਚਾਹੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, फिर दोपहर को इनका खाना हो गया, शाम को ये जैसे बिस्कुट वगैरह भी इनका समय हो गया है ना, अब फिर रात को जो है इनका खाना पेट भर के भोजन जिसको डिनर बोलते हैं ना, वो देना पड़ता है। इकल्ले ही बनाने हो जो खाना बनाना होता है? इकल्ले बना, हाँ अकेले बनाना बेटा, फिर और कौन है, सेवक तो कोई है नहीं, खुद ही करना पैना है बस, और क्या। अच्छा थोड़े को इतने लोग नहीं आते जिन्हों को पता कि बाबा जी इतने रह रहे हैं कुत्तियां की देखभाल कर रहे हैं, कोई मदद दे नहीं आता? खैर मदद जो कर रहे हैं वो तो बेचारे कर ही रहे हैं ना, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और क्या, बस गुजारा ठीक चल रहा है इनका, इनकी इनकी परवरिश ठीक कर रहे हैं वो, मेरा अल्लाह पाका मेरा सतगुरु है ना, मेरा है तो एक ही चीज़ है, सबने अपने अपने नाम से है ना। तो डेली इन्हों का खाना पीना ताज़ा बनाने हो, डेली बनाने हो? हाँ जी ताज़ा, ताज़ा तो बनाने पैंदा बेटा है ना, अभी वो देखो मैंने बनाया हुआ अंदर पतला भर के बनाया हुआ है। की बनाया आज, की बनाया आज, देख लो जाके। नहीं तुसी दसो असी देख लांगे। हां मैं तो दलिया विच दलिया चावल है ना, आलू आज तो ये बनाया मैं है ना, और तड़का मार के है ना, बाकी फिर मैं बीच में सोयाबीन की फलियां भी डालता हूं है ना, दूध लस्सी है ना, हिसाब से पैटागिरी है ना, रोटी ये चेंज करता रहता हूं मैं, जैसे हमको अच्छा नहीं लगता है एक ही चीज़ को खाएं तो बड़ा मन है ना अजीब सा हो जाता है ना, इनका भी अंदर यही है, ये भी बेचारे, तो मैं चेंज करता रहता हूँ इनको, आज ये दे दिया है ना, कल वो दे दिया, सुबह वो दे दिया, शाम वो दे, चेंजिंग करके एक ही चीज़ को नहीं। अच्छा समा भी बड़ा लगता होना जो तुम बनाते होवोगे, समा सवेर का खाना, दोपहर का चाह, या फिर खाना रोटी कह लो, कुछ दलिया कह लो, रोटी दो घंटे ढाई घंटे तो लग जाते हैं बेटे इनको एक टाइम का भोजन बनाने के लिए है ना, दो ढाई घंटे एक टाइम दर खाना बनाने चला गया, 8 किलो रोटी बनानी है ना, 10 किलो रोटी बनानी है, पकानी है, वो डेली बनानी हो 8-10 किलो इकल्ले बनानी, अकेले अकेले ना, कभी चावल बना दिए, पुलाव बना दिए है ना, कभी पेटागिरी दे दी खुद ली, किमें समा कढ़दे हो जे दो घंटे रोटी अन्ना दी एक टाइम ते लग जांदा, खुद ली किमें कढ़दे खुद? बस इनके साथ ही समा तो मेरे लिए काम है, तो रात को जब 2 बजे फ्री होता हूं, 2 बजे के बाद फिर 2 घंटे अपने गुरु महाराज जी का जो नाम, क्योंकि हमारा जो समय होता है रात को ही होता है ना, हम लोग रात को ही ना, तो 2 घंटे वो देने पड़ते हैं, फिर 4 बज जाते हैं, 4 से 2 घंटे फिर सोना होता है, 2 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे सोने हो, 2 तो सवेर दे 4, 4 हाँ जी 4 से 6 बजे तक,
ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਨਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਘੰਟੇ। ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਨੀਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਨਕੋ, ਸਵੇਰੇ ਕਾ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਕਾ ਚਾਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲਵੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਭੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਅੰਕ ਲੱਗੀ ਡੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿਆ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਕਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਸੇ ਤੋ ਕਦੇ ਸੋਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਲ ਅਭੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿ ਬੀਚ ਮੈਂ ਅਭੀ ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਆਂਖੇ ਬੰਦ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਕੀ, ਸਰਦੀ ਕਾ ਮੌਸਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਸੈਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਸੀ ਪੜੇ ਹੈ, ਆਂਖੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਤਾ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਆਪੇ ਲੈ ਆਉਣੇ? ਆਪੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਤਾ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਂਖੇ ਬੰਦ ਥੀ ਉਨਕੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦਰ ਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੂਟ ਬੂਟ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋਬ ਛੱਡਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਿਆ? ਬਚਪਨ ਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਚਪਨ ਤੇ ਬਚਪਨ ਸੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੱਲ ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਣਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ, ਮਾਂ ਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਾਂ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਆਧਾ ਆਪ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਆਧਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੱਲ, ਖੈਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਅਭੀ ਵੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਆਟੋ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਇਨਕੋ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਕੋਚਰ ਹੈ, ਸਾਰ ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਇਨਕੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਾਂਗੇ 1-2 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਅਭੀ ਲੈ ਗਏ, ਛੋਟਾ ਸਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਸੀ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਥਾ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਵੈਂਟ ਰੱਖਾ ਡੋਗੀ ਕੇ ਲੀਏ, ਇਹ ਹਮ ਬਰੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਡੋਗੀ ਕਾ, ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਡੋਗੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਥਾ, ਅਬ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਹਮ ਇਸੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗੇ ਦੇਸੀ ਕੀ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਤੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੇਤੜੀ
पिंड है, ये छोटा जा पिंड उत्थे मौजूद हाँ। तो उस पिंड दे विच ही बाबा जी इत्थे इक रहिंदे ने। एक बार मैं जरूर कहांगा कि तस्वीर पिछले पासे जां इधरले पासे जिथे पिंड जिहड़े घर बने हुए ने इधरों भी जरूर दिखाओ, क्योंकि ये नाल दो पिंड लगते ने। तो जिथे मैं बैठा ये बड़ा एक खुला जा पार्क दे विच बाबा जी इत्थे रहन बसेरा जिहड़ा इन्होंने बनाया होया। बाबा जी जिहड़े सामने घर ने, जदों मैं आया उदों भी देखिया, मेरे मन दे विच सवाल आया दो पिंड नाल लगते हैं, कदे वो पिंड दे लोग इत्थे आउंदे ने अक्सर कुत्तियां नूं कुछ खाण पीण देण दे लई जां उदां कोई मदद करन दे लई? नहीं, पिंड दे लोग तो खैर कोई हेल्प नहीं करते कोई डॉगियों की, मतलब उन्हां नूं पता तां होणा ही आ पर फिर भी नहीं करते। हाँ, फिर भी नहीं करते, पर खैर इनकी किस्मत जहाँ से है वहाँ से तो आ ही जाता है ना। किस्मत का तो किस्मत में तो जो लिखी होती है परमात्मा परमपिता परमेश्वर ने, है ना, वाहेगुरु ने और अल्लाह ने, है ना, तो वो तो आ ही जाता है। बाकी किसी की कोई खुश हो तुम अपनी जिंदगी तो खुश हो? बिल्कुल खुश हैं सर, है ना, और क्या चाहिए। इन्हों का प्रेम मिल रहा है, इन्होंने प्रेम है भाई, इन्होंने टाइम कट जाता है, और क्या ले जाना है ना। जिन्हें भी तुम कुत्ते रखे हुए हैं पंजाब तो ज़्यादा सारे की जान पहचान है थोनों? हाँ, मेरे भी घर तो रह नहीं सकते हैं, सभी जान पहचान तो है ही बेटे, बचपन से पाले हुए, है ना, सीने च रखे, है ना, नाम भी रखे हुए। हाँ, सबके नाम है, बिल्कुल नाम। तो मेरे बेड के ऊपर जो अंदर बेड है उसके ऊपर भी सात आठ सो जाते हैं मेरे साथ ही। अच्छा, नाल ही सोते हैं? नाल ही सो जाते हैं, वैसे वो है तो सोने की तो सबकी इच्छा होती है, पर अब क्या करें, बेड तो है और सात आठ तो होते ही होते हैं, इतनी सी जगह होती है सोने के लिए मेरे पास। अच्छा बाबी, जरा खाना बनाने रोटियां तुम कहने हो, समान कितों लेके आने, किमें लेके आने? वो बेटा, अब मैं कहता रहा हूँ कि भाई इनकी किस्मत का आ जाता है बस, है ना, आ जाता है तो मुझे बनाने में क्या होती है। जब वो भेज रहे हैं, वो आई गुरु भाई अल्लाह मेरा, है ना, भेज रहे हैं सेवा करना, वो भेजता है तो मैं सेवा करता हूँ, है ना। ऐथी रहना तुसी जा सोचा कि ऐथी बस अंत तक ऐथी रहना इन कुत्तियां दे नाल जिन्ना नु पाल रहे हो? हुण बेटा भी देखो 72 प्लस हो गए, हुण जाऊंगा भी किथे, है ना, और कर भी क्या सकूंगा मैं, अब तो अंत समय है ना, जो हो गया हो गया, प्रेम पक्का है और इनके नाल जब तक जिंदगी है इनके साथ ही है, और क्या करना मैंने। आए दिन दी मैं गल करा, हर रोज इत्थे लोग आउंदे रहंदे ने जां इकल्ले ही हुंदे हो? हाँ, घर मिलने वाले प्रेमी तो आए आते ही हैं, है ना, जो जिनको प्रेम है ना, जो जानते हैं बेचारे, हाल चाल पूछते हैं, आते हैं, सहयोग करते हैं, है ना, मदद भी करते हैं जो जानने वाले आप जैसे। अच्छा, तुसीं इत्थे रह रहे हो, अंत दे विच कोई गुजारिश, कोई अपील, कुछ कहना चाहुंदे हो लोकां नूं जां फिर कुछ भी? लोगों ने यह वैसे जीवों पर दया करो और क्या, है ना, जीवों पर अत्याचार मत करो, है ना, है ना, जीव जिन्हों अपना आत्मा कहने, है ना, आत्मा तो एक ही है, सिर्फ वस्त्र बदले हैं कर्मों के हिसाब से, तो इसलिए अपना कर्म बनाए रखो ताकि आने वाला समय फिर हमें, है ना, है ना। सोए 73 साल की उम्र आ बाबा जी की, इन्ने कुत्तियां नूं इत्थे पाल रहे ने, देख रेख उन्हां दी कर रहे ने। मैं भी अपील करदा क्योंकि इंसानियत कहिंदे अजे भी जिउंदी है, जेकर वाकई दे विच इंसानियत जिउंदी आ तां इत्थे जरूर आओ। सकेतड़ी पिंड आ जो कि बिल्कुल मनसा देवी मंदिर कह लिए, उस तो थोड़ा जिहा अगे जाके पिंड आउंदा, ते उत्थे पिंड दे विच जिन्हों भी तुसीं पुछोगे उस सारे ही लोग ये बाबा जी नूं जानते ने, उह तुहानूं अपने आप इत्थे रस्ता भी दस्सणगे। अते तुसीं इही अपील करदा कि जरूर आओ, अते जिन्नी तुहाडे वल्लों जिन्नी श्रद्धा जिन्नी तुहाडे वल्लों हो सकती आ मदद इत्थे आ के जरूर करो। तो हुण उह तस्वीरां भी दिखावांगे तुहानूं, क्योंकि बाबा जी कहिंदे ने कि मैनूं 2-3 घंटे लग जांदे ने खाणा बणाउण ते, की खाणा बणाउंदे ने, की खवाउंदे ने, वो भी अंदर चलते हैं, वो भी अंदर चल के वेखते हैं।